नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और एक बार फिर से हाजिर हूं बस इसी दुआ के साथ कि फिट रहे इंडिया। बच्चे तो बच्चे होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, इधर उधर दौड़ते रहते हैं। अगर किसी वजह से आपके बच्चे को चोट लग जाती है और आपको शक है कि उसे फ्रैक्चर है, तो हमारे डॉक्टर बता रहे हैं कि आप क्या करें। अगर बच्चे गिरेंगे नहीं तो उठना नहीं सीखेंगे। बच्चे की हड्डी मुलायम है, फ्रैक्चर जनरली नहीं होते। बाय चांस हो जाए तो 99% में प्लास्टर के अलावा और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। बच्चों के केसेस में ऑपरेशन रेयरली रिक्वायर्ड होता है। यदि फ्रैक्चर सस्पेक्टेड है, बच्चा जोर से गिरा है, रो रहा है, तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम फर्दर इंजरी। तो आपके आसपास कोई न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, तो उस पर सपोर्ट करके, कपड़े से रैप करके आप नज़दीक हॉस्पिटल पहुँच जाएँ। एक्सरे करा के डॉक्टर ये निर्धारित करेगा कि फ्रैक्चर है कि नहीं। कई बार फ्रैक्चर ना भी हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट को देते हुए कि बच्चे नॉटी होते हैं, बदमाशी कर लेंगे, एक कच्चा प्लास्टर का सपोर्ट दे देते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फर्दर इंजरी। उसके बाद रेस्ट मिल जाए, आराम मिल गया है, बर्फ़ की सिकाई कर ली, तो बच्चे बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। हमारी न्यूट्रिशनिस्ट आज आपको बता रही है कि आपके शरीर के लिए कितना नमक खाने में लेना सही है। सॉल्ट पे बात करते हैं, नमक पे। नमक कितनी ज़रूरत है आपको, कितनी आवश्यक है भी कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। नमक आम तौर पे बहुत अच्छा नहीं होता कंज्यूम करना। थोड़ा सा नमक काफ़ी है आपको पूरे डे सस्टेन करने के लिए। आजकल सर्दियों में पत्तियों वाली सब्ज़ी में ऑटोमेटिकली उसका खुद का इतना नमक होता है कि आपको हल्का या नहीं भी डालने की ज़रूरत होती है और वो बाकी सब्जियों के साथ ब्लेंड हो जाता है। तो बॉडी में जितना आप नमक कम करेंगे उतना वाटर रिटेंशन कम होगा आपकी बॉडी में, उतना बीपी में फ़ायदा होगा आपको, उतनी ही आपकी किडनी हेल्थ एनहेंस होगी और उतना ही बॉडी सेल्युलर फंक्शन पे काम करेगी। हम लोग आम तौर पे देखते हैं कि खाने में तो जो नमक रहता है वो रहता ही है, लेकिन बहुत लोगों को हैबिट होती है अपने सैलड्स पे, अपने दही पे खाने में अगर नमक हो तो भी ऊपर से नमक डालने की। तो ये सब प्रैक्टिसेस अगर हम कम करते हैं ऊपर से नमक डालने की, तो भी काफ़ी हद तक हम अपना नमक का कंजम्पशन कम करने में सफल हो जाते हैं। तो ऊपर से डालने की आदत को आज से आप बंद कर दीजिए और कम से कम नमक खाने की कोशिश करिए। और आइए दिखाते हैं क्या सिखा रही हैं आज हमारी योगा एक्सपर्ट। नमस्कार, आप जो मुद्रा करने जा रहे हैं वो है वरुण मुद्रा। इस मुद्रा से आपको ड्राइनेस आपकी बॉडी में कम होती है, उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में एक्ने या ब्लेमिशेस ये चीज़ें हैं तो वो कम हो जाता है। ये स्किन को और भी ब्यूटिफाई करता है, फेशियल फीचर्स को भी क्लियर करता है। तो इस मुद्रा में आपने एक चीज़ का ध्यान भी देना है कि अगर आपको आस्थमा है तो इसको ज़्यादा देर के लिए ना करें, गर्मी के मौसम में इसको ज़्यादा देर के लिए होल्ड ना करें। तो अब हम देखेंगे मुद्रा कैसे करनी है और विंटर्स में फ़ायदेमंद है। तो आप इसको 10 मिनट तक ज़रूर करें अगर कर सके तो। इस मुद्रा में अब हम दो फिंगर्स के टिप्स को टच करेंगे, वो है आपकी रिंग फिंगर और पिंकी सबसे छोटी, तो लास्ट टू फिंगर्स और थंब, इनको अब हम टच करेंगे और बाकी फिंगर्स को हम सीधा रखेंगे। इसी तरीके से दूसरे हाथ में और अपनी नीज पे ये हम हैंड्स को प्लेस करेंगे। यहाँ पे बस आप अपनी ब्रेथ को वॉच करेंगे, नॉर्मल ब्रेथ रखना है और जो भी चेंजेस होने हैं बॉडी में होने दीजिए अगले 10 मिनट तक। और 10 मिनट के बाद रिलीज कर दें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। और अब हमारी ब्यूटी एक्सपर्ट की ब्यूटी टिप्स। नमस्कार, सर्दियों के आने से पॉल्यूशन लेवल्स बढ़ जाते हैं। मैंने देखा है कि ज़्यादातर 80% लोग जिनसे मैं मिलती हूँ उनको या तो गले में खिचखिच या खांसी या नाक बंद की समस्या होने लगती है।
पहले बहुत साल पहले जब मैं विदेश में रहती थी और जब भी हम वापस दिल्ली आते थे तो सर्दियों के टाइम पे काढ़ा यानी कि जड़ी बूटियों से बन के एक चाय, इसको आप हर्बल टी आजकल ये नई लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं, अक्सर पिया जाता था। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो कैसे बनाते हैं और आपकी खांसी जुकाम को कैसे दूर करा जाए वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए बेसिक इंग्रेडिएंट्स जो चाहिए वो है मुलहट्टी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिकोरिस इन इंग्लिश, दालचीनी यानी कि सिनेमन, मोटी इलायची जिसको आप अच्छी तरह कूट के इसके बीज निकालेंगे, छोटी इलायची और अदरक। इसके अलावा अगर आपके पास तुलसी के ताज़े पत्ते हों तो आप इसमें तुलसी के ताज़े पत्ते और जिन लोगों को सौंफ का टेस्ट अच्छा लगता हो आप इसमें थोड़ी सी सौंफ भी डाल सकते हैं। अदरक को अच्छी तरह आप कद्दूकस कर लें, एक अप्रॉक्सीमेटली एक टीस्पून। और कद्दूकस इसीलिए क्योंकि उसका जो सत है वो तब निकलेगा जब उसकी जूस अच्छी तरह निकल पाएंगे। मुलहट्टी आपको चाहिए होगा कम से कम ऐसे पीस 5-6, 3 इलायची बड़ी, 2 छोटी इलायची और 2 से 3 पीस दालचीनी। इसको आप सब 1 लीटर पानी में डाल दीजिएगा और ढक के धीमी आंच पे आपने पकाना है जब तक ये लिक्विड आधा ना हो जाए। पक पक के जब ये आधा हो जाएगा आप इसको छान लीजिए और दिन में 2 बार गर्म पीजिए। ध्यान में ये रहे कि इसको पीने के बाद कम से कम आधा पौना घंटा आपने और कुछ ना खाना है और ना पीना है, और आप देखिए कि 3 से 4 दिन में ही आपकी जो खड़खड़ खांसी है वो एकदम गायब हो जाएगी। सी यू टुमारो। आजकल त्योहारों का समय है, वेडिंग्स का टाइम है, सबको पार्टी में ड्रेसअप होके जाना है और चाहिए क्या, एक ग्लोइंग कम्प्लेक्शन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आप अपनी फाउंडेशन के साथ एक इल्यूमिनेटर मिक्स करके एक ग्लोइंग कम्प्लेक्शन पा सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि इल्यूमिनेटर क्या होता है। इल्यूमिनेटर एक पर्ली या गोल्ड कलर का शिमरी प्रोडक्ट होता है। इसका टेक्स्चर थोड़ा सा सिल्वरिश या गोल्डनिश होगा, प्लस ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, पर इसे हम अकेले स्किन पर इस तरह नहीं लगा सकते, इसे मिक्स करना पड़ता है एक फाउंडेशन के साथ और फिर इसकी एप्लीकेशन करी जाती है। लिक्विड फाउंडेशन लेकर के उसमें बस 1 ड्रॉप इल्यूमिनेटर की मिक्स करेंगे, जस्ट इतना। इसको फिंगर से ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरह से। और अब इसे अप्लाई करेंगे अपने फेस पर। इस तरह की फाउंडेशंस आप तभी लगाइए अगर आपका कम्प्लेक्शन एकदम क्लियर है, यानी कि कोई एक्ने नहीं है या ज़्यादा ओपन पोर्स नहीं है, तो ये फाउंडेशन आप पर अच्छी लगेगी। इसका इफेक्ट बहुत ही शिमरी और ग्लोइंग होता है। अगर आपका कम्प्लेक्शन थोड़ा वीटिश है तो आप गोल्डन इल्यूमिनेटर चूज करिए, और अगर आपका कम्प्लेक्शन फेयर है तो आप पर्ल इल्यूमिनेटर को चूज करिए। आई होप आपको ये टिप अच्छी लगी हो। थैंक यू। फिट रहे इंडिया में फिलहाल इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बताएं। आप अपनी राय हमें ईमेल कर सकते हैं fit@ndtv.com पर, चाहे तो ट्विटर पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इस्तेमाल कीजिए #fitreheindia। फिलहाल पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।